अभी सूर्योदय हुआ है गांव में, आज है 4th of April 2021 संडे का दिन। तो अभी हम जा रहे हैं मट्टू को, मिट्टी लाल मिट्टी जो कि गांव में मिट्टी के घर होते हैं तो पोतने के काम आता है उसी के लिए। सो गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्कार भाई बंधु दीदी भूलो। पहला उत्तराखंड मेरे साथ है PSNEGi जो मेरे साथ चल रहे हैं आज। आप कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहते हैं और ये गेहूँ जो कि खेत जो कि हल्के हल्के पक चुके हैं, अभी इनकी कटाई होगी कुछ ही दिनों में जब ये पूरी तरह पक जाएंगे। और ये देखो भैंस, ये पूरा जंगलों में लगी हुई आग है, उसका धुआं पूरा दिन भर ऐसा रहता है और शाम के वक्त थोड़ा सा क्लियर होता है। आजकल जब हिमालय दिखता था हमें वहाँ पे, तो बिल्कुल भी दिखना बंद हो चुका है। हमने गांव है वो भी बंद हो चुका है दिखने, और ये पूरा जंगलों में लगी हुई आग के धुएं की वजह से हो रहा है। पहाड़ के हर कोने में आग लगी हुई है आजकल, लोगों क्या मिलता है आग लगा के। ये हमारे जंगल है, हमारे लिए है, इन्हीं से हमारा जीवन यापन होता है। लकड़ियाँ मिलती है गायों के लिए, चारा घास फूस सब कुछ यहाँ से मिलता है, फिर भी पता नहीं लोग आग क्यों लगाते हैं। बहुत सारी आग लगी थी कल परसों, हम भी बुझाने गए थे, मगर जंगल में एक बार आग लग गई तो इतनी भयानक रूप ले लेती है क्योंकि वहाँ पे सूखे पत्ते पेड़ वगैरह होते हैं तो उन्हें बुझाना फिर मुश्किल नामुमकिन सा हो जाता है। पूरा एक बार अगर आग पकड़ ली जंगल में तो फिर वो जलता ही रहता है काफ़ी दिनों तक। अभी हमारे गांव के ऊपर लगी हुई है, मैं दिखाऊंगा आपको, वहाँ पे लगी हुई है वो कि दूसरे गांव से आई है पीछे से और फिर हमारे गांव में आई है, हमारे गांव के जंगल में। वो पूरा आज चौथा दिन है उसका और वो लगी हुई है, अभी तक बुझी नहीं है क्योंकि जंगल बहुत बड़ा है इसलिए। और ये थकान लग गई मेरे को, सांस फूल रहा है मेरा, तब हो गई। ये बार चले इस तरफ के सूखे पत्ते हैं यहाँ पे, अगर इनमें आग लग जाए तो आप समझ सकते हैं कितना भयंकर हो सकती है आग। तो इस यही कारण है कि पहाड़ों में एक बार आग लग जाती है तो बुझती नहीं है वो, उसे कंट्रोल करना हाथ के बाहर हो जाता है। ये देखिए इस तरह के पत्ते हैं और वो आप धुआं देख रहे हो ना, वहाँ पे वो आग लगी हुई है, उधर से आई थी वो आग कहीं ऊपर से, पूरा जला दिया। वो देखिए वो धुआं आपको दिख रहा होगा, कोशिश करूंगा मैं आपको करीब
अभी जा के दिखाने की। और ये पीयूष कहाँ से आ रहा है? पहाड़ी बोल रहा है। जल्दी आ रे। जल्दी आ। ऊपर से नीचे को आई, यहाँ पे बन्नीकरण का काम चला हुआ था, मगर यहाँ पे काम हो चुका था। देखो लकड़ियाँ काफ़ी पड़ी हुई यहाँ पे सूखी, तो इसमें ये आग ज़्यादा भयानक हो जाती है। पूरा खाक बन चुका है और यहाँ से बहुत बड़ा जंगल है ऊपर तक। उधर से कोशिश करूँगा मैं दिखाने की। ये देखिए अभी वहाँ तक फैली हुई है। चार दिन हो चुके हैं आग को, मैं कोशिश करूंगा वहां पे बुझाने की उसको। यहाँ पे कहीं आग थी, ये पूरा जैसे सांस मिलती है आदमी को, वो नहीं मिल पा रही, तो आप समझ सकते हैं। इसको बोलते हैं देखो पुराने जमाने के छप्पर, जो कि अब खंडर हो चुके हैं। पहले यहाँ गाय भैंसे रहते थे, मैंने खुद देखा है, और आगे कहीं हमारा भी छप्पर है। और जहाँ गाय भैंसे रहती थी मवेशियाँ, अब गर्मियों के दिन में यहाँ ठंडा होता है इसलिए यहाँ आ जाती है गाय बैल भैंसा सारी, पर अब उतना है नहीं जमाना। देखिए खंडर हो चुका है, यहाँ लोग रात को रहते भी थे मवेशी के साथ। मैं खुद रहा हूँ अपने ताऊ जी और उनके साथ, वहाँ कहीं आ गए हमारा। और पहले यहाँ तक खेत हुआ करते थे, यहाँ तक लगाते हुए लोगों को, और ये पूरा बंजर हो चुका है काफी नीचे तक। ये हाल है पहाड़ का। But for the woman who killed, only one question really matters. Does she get away with it? मीटर छू 2 मीटर 3 मीटर वालों
किस्सू किस्सू का किस्सू चलो उठाओ भाई अपने आप खनते हो सिद्ध मुड़े हो ना ओ यहन को ओ और हो ओ सीधा सीधा ये इतना जहां ओ ओ नहीं लटको ना अरे और मुड़ी मो अरे तू नए हो यार छोड़े हो पहुंचते हुए कंडी लेके मट्टू की कंडी